नमस्कार। आज हम कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.2 का सातवां प्रश्न कर रहे हैं। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, अभी हम सिर्फ पहले वाला भाग देखते हैं। हमें दो समीकरणें दी हुई हैं, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, दूसरी है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। सबसे पहले हम समीकरण बनाते हैं। यहाँ से देखेंगे x बराबर माइनस वाई है, बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस वाई, 1 इधर प्लस का है उधर जाके हो जाएगा माइनस 1। तो ये हमारे पास एक समीकरण आ गई, x बराबर वाई माइनस 1। ये हमारे पास पहली समीकरण आ गई है। ठीक है बच्चों, दूसरी समीकरण यहां से मिलेगी, 3x बराबर 12, 2y इधर प्लस हो रहा है उधर जाके हो जाएगा माइनस, यानी बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अगले स्टेप में 12 माइनस 2y, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके हो जाएगा भाग। ये हमारे पास आ गई है दूसरी समीकरण। ये बटा से आपने घबराना नहीं है, बहुत से बच्चे देखते हैं कि बटा वाला सवाल आ गया तो हमसे वह सॉल्व नहीं होगा, वो इसको यहीं छोड़ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इससे घबराना नहीं है आपने। अब हम बात करेंगे, हमें इनके टेबल्स बनाने हैं। ठीक है, हम पिछले क्वेश्चंस में भी बनाते रहे हैं, आइए इनका टेबल बनाकर देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये है x, ये है वाई, ये है x, ये है वाई। आइए सबसे पहले देखिए, x बराबर है y माइनस 1, तो y की कुछ भी वैल्यू ले लो। y मैंने ले लो मान लो 5, तो x कितना होगा, y माइनस 1 यानी 5 माइनस 1, 5 में से 1 माइनस किया 4। अगली बार y ले लो 4, तो x कितना होगा, y बराबर है 4 के, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। अगली बार y ले लो 2, तो 2 माइनस 1 x कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 होता है 1 के बराबर। तो ये हमारे पास एक टेबल आ गया। दूसरे टेबल के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा, y की वो वैल्यू लेनी है जिसको 2 से गुना करके 12 में से घटाएं तो वो 3 के पहाड़े पे आता हो। इसके लिए हम कोशिश क्या करेंगे, इसी को 3 का पहाड़ा लेंगे। कैसे, मान लो y लेता हूं 3, ठीक है, तो कितना होगा देखो, 3 दुनी 6, 12 में से 6 घटाए 6, 6 को 3 से भाग किया 2। इसको ध्यान से समझना, मैं दोबारा समझा देता हूं। हमने y लिया था 3, तो इस इक्वेशन में y की जगह लिखेंगे 3। यहां है y, 3 गुना 2 हो गया 6, 3 दुनी 6, 12 में से 6 माइनस कर दिया 6, उस 6 को 3 से भाग कर दिया तो आया 2। इसी प्रकार से मान लो y मैं लेता हूं 0, y लिया मैंने 0, तो x कितना होगा, 2 गुना 0, y की जगह 0, 2 गुना 0 0, 12 में से 0 घटाया 12, 12 को 3 से भाग कर दिया 12, 4 तीय 12। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हम एक और वैल्यू लेते हैं y की, मान लो 3 का पहाड़ा लेना है तो यहां ले लेता हूं 6, y ले लिया 6। अब देखो x कितना होगा, y लिया है 6, तो 6 दुनी 12, 6 दुनी 12, 12 में से 12 माइनस किया 0, 0 को 3 से भाग किया 0। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। अब हमने कुछ नहीं करना, अब हमने इन टेबल्स को ग्राफ पर दिखाना है। तो ये मैंने ग्राफ एक रखा है, ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। आइए अब इसे ग्राफ पे दिखाएं। ठीक है, मैं स्केच से कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। पहले जो पॉइंट्स हैं मेरे पास वो हैं x 4 y 5, x की तरफ को 4, y की तरफ को 5, ये दोनों बिंदु यहाँ मिलेंगे आके इस बिंदु पर। ठीक है बच्चों, तो
तो ये बिंदु को मैंने थोड़ा सा मार्क कर दिया। दूसरा बिंदु जो है वो है x3 y4, x3 y4 यानी y अक्ष पर 4, x अक्ष पर 3, तो ये है 4, x अक्ष पर 3 ये रहा, तो ये 3 और 4 मिलेंगे यहाँ पर इस बिंदु पर, इसे मैंने अंकित कर दिया है। उसके बाद तीसरा जो बिंदु है वो है x1 y2, x1 y2 ये दोनों इस बिंदु पर मिलेंगे, 1 और 2 ये यहाँ मिल रहे हैं ना बच्चों, ठीक है। ये 2 था, x अक्ष पर 1, y अक्ष पर 2 ये बिंदु। अब हमारा जो काम है वो क्या है, हमने इसे फुट्टे के साथ जोड़ना होता है। तो ये स्केल लेंगे और तीनों बिंदुओं को जोड़ती हुई एक लाइन मैंने खींच दी है, ठीक है बच्चों। ये जो रेखा है दोनों तरफ एरो, यह जो रेखा है यह हमारी समीकरण x बराबर y माइनस 1 को दर्शाती है, इसीलिए इस समीकरण इस रेखा पर मैं लिख दूंगा x बराबर y माइनस 1, ठीक है बच्चों। अब मैं एक और कलर ले लेता हूँ, आप पेंसिल कलर्स का, स्केच का नहीं, पेंसिल कलर्स का प्रयोग करेंगे। दूसरा टेबल देखिए, x2 y3, x की तरफ को 2, y की तरफ को 3, ये बिंदु आ जाएगा, ये इस रेखा पर है, कोई बात नहीं हमने ले लिया। उसके बाद अगला है x4 y0, x की तरफ को 4, y की तरफ को 0 यानी जाना ही नहीं है, तो वो ये बिंदु होगा ये वाला, ठीक है बच्चों। तीसरा है x0 y6, x की तरफ को 0 नहीं जाना, y की तरफ को जाना है 6, तो वो आएगा ये बिंदु, ठीक है बच्चों। तो ये तीन बिंदु आ गए। अब हमने इसे स्केल की मदद से ड्रॉ करना है। ये तीन बिंदु हैं, तीनों को मिलाना है हमने स्केल की मदद से। ध्यान से, पेंसिल आपकी घटी होनी चाहिए, यदि आप पेंसिल से करते हैं, पेंसिल कलर से करेंगे तो पेंसिल कलर भी घटा होना चाहिए। ये हमारे पास दूसरी रेखा आ गई, ठीक है बच्चों। अब ये जो दूसरी रेखा आई है, ये हमारी समीकरण x बराबर 12 माइनस 2 y/3 को दर्शाती है, तो मैं इस पे लिख दूंगा x बराबर 12 माइनस 2 y/3। अब बच्चों ध्यान से देखना, हमने प्रश्न में पूछा क्या है हमसे, हमसे प्रश्न में पूछा है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब आप ध्यान से देखना, क्या कहीं कोई त्रिभुज बन रहा है, ये है x अक्ष, ये है त्रिभुज, ये रेखा और ये रेखा और x अक्ष, एक रेखा दो रेखा और x अक्ष मिलकर ये त्रिभुज बना रहे हैं, देखो ये बन रहा है त्रिभुज, बन रहा है ना, तो ये त्रिभुज हमने देखना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस त्रिभुज को अलग से अंकित करता हूँ ताकि आपको अलग से ये दिखाई दे। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए। तो देखो ये त्रिभुज अब मैंने लाल पेन से अंकित कर दिया है, ठीक है। अब ये जो लाल त्रिभुज है, हमने इसके निर्देशांक लिखने हैं। निर्देशांक के लिए ये जो निर्देशांक है, ये निर्देशांक देखो कितना होगा, ये होगा x की तरफ को 2, y की तरफ को 3, तो ये निर्देशांक होंगे 2, 3, x2 y3 बीच में कोमा, ठीक है ना बच्चों। इसी प्रकार से त्रिभुज का दूसरा निर्देशांक ये वाला, ये कितना है देखो, x की तरफ को है -1, 0 से इधर, थोड़ा जूम कर दूं, ये देखो 0 से इधर ये है -1, ठीक है। तो x कितना आ गया, -1, y कितना है देखो, ये y की तरफ तो बढ़ा ही नहीं, इसी अक्ष पर है, तो y कितना है 0, ठीक है। उसके बाद इस बिंदु के निर्देशांक देखते हैं, x की तरफ को कितना आया, ये 4, y की तरफ को ये बढ़ा ही नहीं, y की तरफ को बढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो ये x होगा 4, y होगा 0, ठीक
ठीक है, हमसे यही कहा गया था इस त्रिभुज के निर्देशांक दो, इस बिंदु के निर्देशांक है ये, इस बिंदु के निर्देशांक है ये, इस बिंदु के निर्देशांक है ये। यदि आप चाहते हैं तो इस त्रिभुज का नाम लिख दो ए, बी और सी। ठीक है बच्चों, तो ये तीन बिंदुओं के ये निर्देशांक आ गए। अब अगला जो काम है, एक छोटा सा काम इन्होंने और बोला है, वो क्या, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो ये जो हमारा त्रिभुज है इसे छायांकित करना है, शेड करना है। तो कोई भी हल्के रंग की पेंसिल लेकर आप इसे इस प्रकार से एक ही डायरेक्शन में, काचा माचा नहीं मारना बेटा इसमें, ठीक है, हल्का हल्का, ज्यादा डार्क भी नहीं करना है इसको। इस प्रकार से त्रिभुज पटल को छायांकित कर देना है। आप कलर पेंसिल का भी प्रयोग कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब आप देखिए 11-12 मिनट का ये वीडियो है, और उसमें भी आप देखें कि ये पहले हमने ये टेबल बनाया, टेबल समीकरण निकाली, फिर टेबल बनाया, टेबल के बाद ग्राफ बनाया, ग्राफ पर लाइनें बनाई, लाइनें बनाने के बाद जो त्रिभुज मिला एक्स अक्ष और इन दोनों के बीच में, ठीक है, अगर वाई अक्ष कहते तो हम क्या करते बेटा, ये वाई अक्ष लेते और ये रेखाएं लेते तो ये त्रिभुज बनता ये वाला। अभी हमने एक्स अक्ष के साथ ये त्रिभुज बनाया, त्रिभुज के तीनों के निर्देशांक लिखे और इसको क्षेत्र, इतनी मेहनत की है ना। तो यदि ये इतनी सारी मेहनत जो इस वीडियो के जरिए मैंने की है आपको अच्छी लगी हो और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया हो, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें हौसला मिलता है कि बच्चों को अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है वीडियो, हम उसी हिसाब से और मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। धन्यवाद।